हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयुषी गौर। हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 कर ली है एंड जो आप लोगों में से जिन भी बच्चों ने जो प्रॉब्लम बताई थी, आई होप मैंने सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों में से किसी भी बच्चे को कोई 3.1 एंड 3.2 में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ मुझे लिखकर मैसेज में भेज सकते हैं अपने ग्रुप में, मैं उसे सॉल्व करके उसका वीडियो बना के आपको सेंड करूँगी। आज जो हम कर रहे हैं, विविध प्रश्नमाला कर रहे हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं। मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे। जो प्रॉब्लम आई है बच्चों की, पहले मैं वो सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि आई एम श्योर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चंस ट्राई ही नहीं किए हैं। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स जो कि आप लोगों ने ग्रुप में मैंशन की है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 24 तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने पूछा है। तो चलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 कर रही हूँ बिकॉज मोस्टली बच्चों को उसी में ही दिक्कत है और वो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोगों को 11th का एक कंसेप्ट याद नहीं है जो कि मैंने बहुत बहुत बार आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें कहा है कि एक मिनट, मैं इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेती हूँ। प्रूव दैट गिवन है, सॉरी प्रूव दैट हमें ये सिद्ध करना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, हेयर इट इज कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, ये किसके बराबर है? ज़ीरो के बराबर है। हमें ऐसा सिद्ध करना है जबकि वेयर हमें दिया क्या गया है कि अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर है, 2m-1 पाई बाय 2 फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n। n क्या है, ये जो m दे रखा है, ये m क्या है, ये एक प्राकृत संख्या है, ये एक नेचुरल नंबर है। अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर है, 2m-1 इंटू पाई बाय 2 के बराबर है। अब हमें सिद्ध ये चीज़ करनी है, इसको ज़ीरो के बराबर सिद्ध करना है, तो हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमें दिया है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। इन दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए दिख ही रहा है कि मल्टीप्लाई में है, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनको। आई होप अब मल्टीप्लाई करना आपको आ गया होगा। इसको इससे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस बीटा साइन बीटा। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अब इससे, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस ये इंटू ये, तो ये हमें मिलेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। स्पेस थोड़ा कम हो रहा है, मैं इसे रीराइट कर रही हूँ, दोबारा लिख रही हूँ, थोड़ा इधर से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि जगह कम ना पड़े। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, इसको इससे किया तो हमें मिल रहा है कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। अब इसको हम जब इससे करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा, तो ये हमें मिल रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस ये इंटू ये, तो क्या मिलेगा हमें, कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब हमें क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा इससे गुणा होगा तो क्या मिलेगा हमें, कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू
कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ये गुणा ये, तो हमें मिल रहा है ना साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। अब इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमें मिलेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस ये इंटू ये, ये हमें मिल रहा है साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब देखिए ये किसके बराबर होगा, कॉस यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा है, इन दोनों में से मैं कॉस अल्फा और कॉस बीटा कॉमन निकाल सकती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से कॉस अल्फा और कॉस बीटा जब कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, इधर भी हम अगर देखें तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकती हूँ, कॉस अल्फा और साइन बीटा कॉमन आ सकता है, तो मैंने यहाँ से कॉस अल्फा साइन बीटा जब कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से भी मुझे क्या करना है, कॉमन जो आ रहा है वो ले लेना है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, साइन अल्फा एंड कॉस बीटा कॉमन आ रहा है, तो मैंने साइन अल्फा कॉस बीटा कॉमन लिया, तो अंदर मेरे पास बच रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, साइन अल्फा साइन बीटा जब कॉमन लूँगी तो मुझे यहाँ मिलेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये हमें कॉमन मिल गया है। अब देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये जो है आपकी किसकी आइडेंटिटी बन रही है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, कॉस ए माइनस बी के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दूंगी, ये मेरा बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये बन रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, मैंने इसमें ये सूत्र लगा दिया है। ठीक है, देखिए ये जो है इसके बराबर होता है, अब ये कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, देखो सब जगह सेम ही ब्रैकेट बन रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो सब जगह कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, यहाँ पर देखो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा, ये बनेगा आपका कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब देखो इन सभी में कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले सकते हैं, तो हमने क्या किया, कॉस अल्फा माइनस बीटा को बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर हमारे पास में अब क्या बच रहा है, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हमें फिर से क्वेश्चन पे जाना है, अल्फा माइनस बीटा आपको क्या दे रखा है, 2m माइनस 1 पाई बाय 2। अब आप चलिए क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति पे, जहाँ मैंने आपको बताया था कि साइन फंक्शन हमेशा हर पाई अंतराल के पश्चात जीरो हो जाता है, और क्या होता है, कॉस जो है हर 2m प्लस 1 या 2m माइनस 1 भी कह सकते हो, 2m प्लस 1 या 2m माइनस 1 पाई बाय 2 अंतराल के बाद में जीरो होता है। आपको अगर ग्राफ याद हो कॉस का, वैसे तो आई एम श्योर आप लोग को याद नहीं होगा, इतना तो मैं आप पे ट्रस्ट कर सकती हूँ नहीं याद होगा आपको, कॉस का जो ग्राफ होता है देखिए वो इस तरह से जाता है, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो ये जीरो पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 इसके बाद में 5 पाई बाय 2 सॉरी 5 पाई बाय 2 मतलब ये जहाँ पर भी ये पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2 वाले केस बन रहे हैं, उन सभी बिंदुओं पर कॉस का मान कितना होता है, जीरो। और आप लोग के पास में अपनी 11th क्लास की कॉपी होगी तो आप उसको खोल के देखिएगा, मैंने लिखवाया था कि कॉस थीटा का मान हर एन हर पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स पर क्या होता है, जीरो होता है, कॉस थीटा का मान हर एक पाई बाय 2 के विषम गुणज पर क्या होता है, जीरो होता है। अब 2m माइनस 1 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, विषम संख्या को, या फिर 2m प्लस 1 लिख लो ये भी विषम संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं,
टू एम माइनस वन कहें चाहे टू एम प्लस वन कहें, ये दोनों ही ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑड है, मल्टीपल किसका है, किसका गुणज है, पाई बाय टू का, तो उसका मान क्या होगा, जीरो। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन दैट अल्फा माइनस बीटा बराबर टू एम माइनस वन इंटू पाई बाय टू, तो इसका मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस टू एम माइनस वन इंटू पाई बाय टू के बराबर हो जाएगा, और कॉस टू एम माइनस वन इंटू पाई बाय टू किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। यहाँ लिखिए बराबर जीरो, कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर कॉस टू एम माइनस वन इंटू पाई बाय टू बराबर किसके है, जीरो के है। अब आप ये मान जब इसमें रख दोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 था, बहुत छोटा सा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मिसलिनियस में जो मुझसे दूसरी प्रॉब्लम पूछी है वो है क्वेश्चन नंबर 24, ये ज़्यादातर बच्चों की दिक्कत थी, ये हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 मुझसे एक जने ने पूछा है, शायद मोनिशा ने पूछा है, ठीक है हम करते हैं। आव्यूह ए को सममित व विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और हमें क्या कहा है, हमें इस मैट्रिक्स के लिए बोला है कि एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने कंसेप्ट पे चलिए जो मैंने आपको थोड़े दिन पहले सिखाया। किसी भी मैट्रिक्स ए को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो हम इसे एक सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं क्या। देखिए लिखवाया है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिखा जा सकता है। कैसे लिखते हैं वो भी मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था, खैर अब वो अब आपको देखना है कैसे लिखना है। हमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो हमें ए प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन टू प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन टू की फॉर्म में इसको लिख देना है, क्योंकि ए प्लस ए का ट्रांसपोज हमें पता है सममित सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो जो मैट्रिक्स आपको ए दे रखी है उसको आपको इस रूप में लिखना है बस। तो आप कैसे लिखेंगे, इसे इस तरह से लिखेंगे हम। ऐसा लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ए तो हमारे पास है, अब हम क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। हमें ए दिया है 6 5 2 4, इसे समीकरण एक कह दें हम, और हमें ए ट्रांसपोज निकालना है। तो ए का ट्रांसपोज क्या होता है, जितने भी रो हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 6 2 5 4, ठीक है। अब हमें इसको इस रूप में लिखना है, कितना सिंपल सा है ये देखिए, हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसके लिए a प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है, वो क्या होगा, 6 2 5 4 प्लस 6 5 2 4, ये क्या होगा आपका 12 7 7 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका हाफ करना है, हाफ ऑफ a प्लस ए का ट्रांसपोज, क्योंकि हमें इसी की ज़रूरत है यहाँ पे। तो जब हम इसको हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 1/2 अंदर जाके क्या बन जाएगा, 6 7/2 7/2 4, ये हमें मिल गया सेकंड इक्वेशन, जिसका कि हम यहाँ से उठा के यूज़ इसमें करेंगे। दूसरा हमें क्या निकालना है, a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो हाफ इंटू a माइनस ए का ट्रांसपोज, a क्या है आपके पास में, 6 2 5 4, माइनस क्या करना है हमें, इसका ट्रांसपोज हमें इसमें से माइनस करना है, तो हाफ ऑफ a माइनस ए का ट्रांसपोज जो हमें मिलने वाला है वो क्या है, 6 में से 6 गए तो क्या बचेगा, 0, 2 में से 5 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 3, 5 में से 2 गए तो 3, 4 में से 4 गए तो 0, ये क्या आ जाएगा, 0, माइनस का 3/2, 3/2 0, ये समीकरण नंबर 3।
हमें यहाँ पर a प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज अपॉन टू की वैल्यू रखनी है। ये दोनों ही हमारे पास में आ गए। समीकरण दो और समीकरण तीन का यूज हमने क्या किया, एक में किया, यूजिंग इक्वेशन टू एंड थ्री इन वन। समीकरण दो तथा तीन का प्रयोग एक में करने पर समीकरण एक क्या है हमारी, यह है ए प्लस ए का ट्रांसपोज अपॉन टू और ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली है। ये दोनों वैल्यूज जो आ रही थी हमारी वो क्या आ रही थी, सिक्स सेवन बाय टू, सेवन बाय टू फोर, एंड ये क्या आ रहा था हमारा, ये आ रहा है ज़ीरो माइनस थ्री बाय टू, थ्री बाय टू ज़ीरो। तो ये क्या है हमारी, एक सममित मैट्रिक्स, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या है हमारी, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब विषम सममित आव्यूह। तो हमने क्या किया, इस ए को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिख दिया। क्वेश्चन में हमें यही कहा था कि इस मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिखिए, विषम सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखिए। तो हमने इसको इसके सम के रूप में, इसके योग के रूप में लिख दिया। ये एक सममित मैट्रिक्स है और एक ही आपकी विषम सममित, मतलब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में हम इसे लिख चुके हैं। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास आई थी वो थी 11th क्वेश्चन, जो कि हम कर चुके हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी मोनिशा ने पूछा था, बाकी सब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, सबने सारे क्वेश्चन कर लिए, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बाकी बच्चे की एक्सरसाइज को टच भी नहीं कर रहे हैं। और जो बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट, वो जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसी तरह से पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 12, यदि a बराबर 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3 ये दिया है, तब सिद्ध कीजिए कि देन प्रूव दैट। पहला जो पार्ट है इसका, देखिए क्वेश्चन मैं दिखाती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 12 मुझसे पूछा गया है, ए ये है तो हमें ये चारों चीज़ें सिद्ध करनी है। मैं एक एक करके चारों को सिद्ध करूँगी। चलिए मैं सबसे पहले कर रही हूँ इसका पहला पार्ट, जिसमें दिया है ए का ट्रांसपोज बराबर ए। पहले में हमें सिद्ध करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए, हमें ऐसा सिद्ध करना है। ऐसा सिद्ध करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, ए का ट्रांसपोज निकालना होगा। चलिए हम करते हैं। हमें ए कितना दिया है, ए हमें दिया है 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एलएचएस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए का ट्रांसपोज लें हम। ए का ट्रांसपोज मतलब रोज को कॉलम में बदलो, 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3, ये हमें मिला ए का ट्रांसपोज। लेकिन हमें इसका भी ट्रांसपोज करना है, इसका मतलब ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो फिर से इसको क्या करो, रो को कॉलम में बदल दो। अब देखो ये किसके बराबर आ रहा है, ये फिर से इस ए के बराबर आ गया। इसका मतलब हमने सिद्ध कर दिया दैट ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ये हमारा सिद्ध हो गया इसका पहला पार्ट। अब हम इसका करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमसे क्या कहा है, सेकंड पार्ट में हमें बोला है ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है, हमें ये सिद्ध करना है। सममित आव्यूह से क्या मतलब है, हमें सिद्ध करना है दैट ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो कैसा है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब पहली बात तो हमें ये पता हो पहले कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाती है, जबकि उसका ट्रांसपोज, देखिए मैं लिखती हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह हम किसे कहते हैं, ये भी आपको लिखवाया हुआ है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं हम,
अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं और हमें फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो, ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है सममित है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित कब होगा? अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज जब मैं लूँ तो मुझे क्या मिल जाए? ए प्लस ए का ट्रांसपोज मिल जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बात करी है, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए एक सममित आव्यूह है अगर, तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पे ए प्लस ए का ट्रांसपोज, भाई ए प्लस ए का ट्रांसपोज भी तो कोई मैट्रिक्स ही होगी, तो ये जो भी मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक सममित आव्यूह है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाना चाहिए ना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये इसी मैट्रिक्स के अगर बराबर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसे हम किस तरह से करते हैं, देखिए हमने मान लिया लेट ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर सी, इसे मैंने सी मान लिया, तो मुझे सिद्ध क्या करना है, तो मुझे सिद्ध करना है टू प्रूव दैट सी क्या है, एक सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मुझे क्या सिद्ध करना है कि सी का ट्रांसपोज बराबर सी हो। अब सी क्या है, ये है, तो मैं पहले सी निकाल लूँ, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर सी किसके बराबर होगा, ए कितना दिया है हमें 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, इसमें इसका ट्रांसपोज जोड़ना है, ट्रांसपोज क्या होगा, इसकी रोज को कॉलम में बदल दो 2 1 1 -1 0 2 0 1 3, तो अब हमें सी कितना मिल रहा है 2 + 2 4 1 - 1 0 1 + 0 1 0 0 3 1 3 6, ये हमें मिल सी का मान, जो कि सी क्या है आपका ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब ये जो सी है हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है कि सी का ट्रांसपोज बराबर सी, सी को हमने क्या माना है, ए प्लस ए के ट्रांसपोज को हमने सी माना है, अब हमें क्या करना है, सी का ट्रांसपोज बराबर सी सिद्ध करना है। सी का ट्रांसपोज कर ले हम, सी ये है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 0 1 0 0 3 1 3 6। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं क्या, इसका मतलब सी का ट्रांसपोज बराबर सी, दिस इम्प्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि सी का मान क्या है ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर किसके आ रहा है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, दिस इम्प्लाइज ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सममित सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया आपको? अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज में फिर से लिख सकते हैं, मैं आप लोग को दोबारा करके समझा दूंगी, बट हाँ ऐसा किसी को भी नहीं करना है कि समझ में नहीं आ रहा है बट फिर भी हम नहीं पूछ रहे। अब देखिए थर्ड पार्ट इसका मैं नहीं करूँगी क्योंकि सेम ही है, आपको आ जाएगा। थर्ड में इसने बोला है ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, एक विषम सममित, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए फिर से क्या करना है हमें, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो वो माइनस में ए माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए, क्योंकि विषम सममित मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया है और हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट में माइनस ए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर हम उसे क्या कहते हैं, विषम सममित मैट्रिक्स। आपको ये सभी चीज़ें लिखवाई हुई है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करें और हमें माइनस ए माइनस में वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो वो विषम सममित या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अब आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज को विषम सममित प्रूव करना है, तो ए माइनस ए का जब आप ट्रांसपोज करोगे तो माइनस ए माइनस ए के ट्रांसपोज क्या जाना चाहिए, तो आई होप ये आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो उसका पार्ट दिया है उसमें बोला है ए इंटू ए ट्रांसपोज तथा ए ट्रांसपोज इंटू ए सममित आव्यूह हैं। सममित मतलब ये कैसे प्रूव करना है आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करना है आपको, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक कब होगा, जबकि इसका ट्रांसपोज मैं करूं और मुझे फिर से ए इंटू ए ट्रांसपोज मिल जाए,
और ये कब होगा सिमेट्रिक, जबकि मैं इसका ट्रांसपोज करूं, इसका ट्रांसपोज किया तो मुझे फिर से यही मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये इतनी सी चीज़ ही तो प्रूव करनी है, पहले a इंटू ए का ट्रांसपोज निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज करो। जब आप इनको इक्वल बराबर इक्वल प्रूव कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए ये दोनों करने हैं हमें, इसमें से मैं आपको एक करके दिखा रही हूँ, दूसरा आप उसकी तरह कर लीजिए। हमें ये प्रूव करना है, उसके लिए पहले मुझे a इंटू ए का ट्रांसपोज तो पता हो, a कितना है हमारे पास में, हमारे पास में जो a क्वेश्चन में दिया है वो है 211-102013। अब मुझे गुणा किसको करना है, इसको इसके ट्रांसपोज से गुणा करना है, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 211-102013। जब मैंने इनको गुणा किया तो मुझे वैल्यू क्या मिलने वाली है, 2 2 4 + 1 + 1 - 2 + 0। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन अब आ गया है। 0 + 1 + 3 - 1 × 2, दिस इज -2 + 0 + 2 1 + 0 + 4 0 + 0 + 0 × 1 2 3 6। ठीक है, इसके बाद में अब इसकी टर्न है 0 × 2 2 0 1 × 1 1 + 3, दिस इंटू 0 दिस इंटू 1 0 0 प्लस 6 दिस इज 0 + 1 + 9। इसका मतलब a इंटू ए का ट्रांसपोज आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6 0 4 0 5 6 4 6 10। अब देखिए a इंटू ए का ट्रांसपोज हमें ये मिल गया, अब हमें क्या सिद्ध करना है कि a इंटू ए का ट्रांसपोज कैसा है, सिमेट्रिक है, सममित है। तो सममित होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a इंटू ए के ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमें ये क्या मिलना चाहिए, a इंटू ए ट्रांसपोज की, क्योंकि सममित मैट्रिक्स क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो मैट्रिक्स आपके सममित कहलाती है। तो a इंटू ए का ट्रांसपोज मैं करके देखती हूँ, a इंटू ए के ट्रांसपोज का जब मैंने ट्रांसपोज किया तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से 6 0 4 0 5 6 4 6 10। इसका मतलब ये और ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो गई, इट मीन्स a a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a a के ट्रांसपोज के बराबर आ गया। दिस इम्प्लाइज a a का ट्रांसपोज बराबर a इंटू ए का ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या हो गया कि a इंटू ए का ट्रांसपोज कैसा है, सिमेट्रिक है, सममित है। तो ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। इसके अलावा अगर मिसलिनियस में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे मैसेज में लिख के भेज सकते हैं, अदरवाइज़ कल की क्लास में मैं आपको अपनी इच्छा से ही मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चंस और करवा दूँगी, जिसमें मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को नहीं आए होंगे जो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वो पढ़ तो रहे नहीं, तो उनको खुद को ही नहीं पता है कि उनको क्या नहीं आ रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।